मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसमें हम आज पढ़ेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी फॉर क्लास 8। ठीक है, इसमें क्या है डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसमें हम देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम नंबर्स की डिविजिबिलिटी की कोई भी नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है ये हम कैसे चेक करते हैं ये हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू। सबसे पहले हम टू से कैसे वो नंबर कोई भी नंबर दिया है वो नंबर प्रॉपर डिविजिबल है या नहीं है टू से ये कैसे चेक करेंगे। या तो इसका एक तरीका होता है पूरी तरीके से डिवाइड करके देखो, अदरवाइज आप शॉर्टकट मेथड अगर यूज करें तो हम उसको किस तरीके से चेक करेंगे ये देखेंगे। कोई नंबर लिख दिया गया है 2570। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम ये नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा हमको, हम इसको ओरली देख के कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वंस प्लेस पर इवन नंबर है, अगर वंस प्लेस पर इवन नंबर है तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। जीरो क्या है, एक इवन नंबर है, जीरो की बजाय टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो, कोई भी इवन नंबर हो वंस प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। बस इसकी एक कंडीशन क्या है, वंस प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। इफ वंस प्लेस पर इवन नंबर है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय थ्री। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय थ्री, थ्री से हम कोई भी नंबर थ्री से डिविजिबल है या नहीं है ये कैसे चेक करेंगे। हम मान लो इसी नंबर को ले लेते हैं, इसको कैसे चेक करेंगे कि ये थ्री से डिविजिबल है या नहीं है। इस पे हम सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकलेगा, हम जो भी नंबर दिए गए उनको ऐड करके देख लेंगे। अगर इसका सम, अगर ये इनका सम 3 की टेबल में आता है, 14 क्या 3 की टेबल में आ रहा है, नहीं आता है। अगर ये सम 3 की टेबल में आता है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज हम ये कहेंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। हम यहाँ पे कहें 14 क्या है, 14 3 की टेबल में नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। इसमें भी 5 से चेक करने के लिए भी बहुत ईजी है। इसमें भी हम कोई नंबर जैसे दिया गया है 25365। ठीक है, कोई भी नंबर दिया गया इसमें भी हम यूनिट प्लेस पर वंस प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 वंस प्लेस पर अगर 0 या 5 नंबर है तो हम कह सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, हम इसमें भी सम निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। हम आज ये वाला नंबर ले लेते हैं, इसका हमने सम निकाल लिया 2 + 5 + 6 + 5। अगर ये कितना आ गया 5 × 10 = 10 और 18। अगर इसका सम, इसका सम अगर 9 की टेबल में आता है, अगर 9 से डिविजिबल है, 9 की टेबल में आता है मतलब 9 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। कि 9 = 18 क्या है, 9 × 18, 9 की टेबल में आता है तो हम कहेंगे हम दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। इसका भी बहुत ईजी है, कोई भी नंबर ले लेते हैं 2570। ठीक है, अगर यहाँ पर इसमें भी हम वंस केस पर देखते हैं, वंस केस पर अगर 0 है देन वी से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं वंस प्लेस पर अगर 0 है देन वी से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो हमारे ये 5 टेस्ट होते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 में भी हम क्या देखते हैं वंस प्लेस पर इवन नंबर्स होने चाहिए, अगर इवन नंबर है तो डिविजिबल बाय 2 होगा। 3 के लिए हम क्या करते हैं सम निकालते हैं, ये सम अगर 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 5 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 के लिए यूनिट वंस प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए, अगर वंस प्लेस पर 0 या 5 नंबर है तो हम कहेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 9 के लिए हम अगेन सम निकाल
थैंक यू।